हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बढ़िया सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि पिकल की रेसिपी है। और ये मेरी भाभी की रेसिपी है जिन्होंने मुझे सिखाया, और मुझे लगा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर करूँ। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरे पीछे किचन का सेटअप भी चेंज हो गया है। तो अभी मैं अपने मम्मी के यहाँ पर जयगांव में आई हूँ, तो अब यहाँ पर ही मैंने इस रेसिपी को सीखा। तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के साथ इस रेसिपी को शेयर करूँ। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा भी दूँ, है ना, कि ये जो पिकल है, देखिए कितना बढ़िया सा इसका कलर आया है। और हमारे एक्चुअली 3 बॉटल्स बने थे, 2 बॉटल्स मैंने भर के रखा और 1 बॉटल और एक है। तो आज मैं आप लोगों को इस रेसिपी को सिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक लाइक देना मत भूलिएगा। इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ ड्राई फिश। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बता दूँ, मैंने यहाँ पर 2 kg ड्राई फिश लिया है और यहाँ पर मैंने छोटा वाला फिश लिया है। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि इसे हमें पानी में भिगोना है। तो चलिए मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, और पानी डालकर हमें इसे करीबन 1/2 घंटे के लिए भिगो देना है। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से भिगो दिया है। तो अच्छे से पानी जो है ना, मछली के अंदर तक घुस जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। बाद में जब हम इसे साफ़ करेंगे, इसकी स्किन को निकालेंगे, तब ये आराम से निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर करीबन, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1/2 घंटे के लिए मैं इसे भिगो कर रख देती हूँ। 1/2 घंटा यहाँ पर हो चुका है। चलिए हम इसे अब साफ करते हैं। अच्छे से भीग गए, सबसे पहले इसके सर को निकाल देते हैं, है ना। उसको निकालने के बाद अब इसके स्किन को ऊपर से हम इस तरीके से छीलेंगे। तो बहुत अच्छे से आपको छीलना है, आराम से निकल जाता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से निकल चुका है ना। तो इस तरीके से आराम से आप, जिस तरह से आप ये पील करते हो ना, जैसे कि ऑरेंज वगैरह, तो इसी तरह से आप आराम से इसे पील कर देना है, आराम से ये निकल जाएगा। और आगे का पार्ट भी आप इसे साफ़ कर लीजिए। देखिए कितना अच्छी तरीके से ये साफ़ हो चुका है। और मैंने फ्रेंड्स इसे अच्छे से धो भी दिया था, और उसके बाद एक फिश का मैंने 3 से 4 पीस इस तरीके से बनाया है। आपकी मर्जी, इससे छोटे पीस भी आप बना सकते हो, है ना, या इतना बड़ा पीस भी आप रख सकते हो। ये बहुत अच्छे से मैंने धोकर ड्राई कर लिया है, और धोने से ये भी होता है कि इसका जितना भी सॉल्ट है ना, वो निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है स्लाइस किया हुआ जो गार्लिक है, वो गार्लिक मैंने लिया है 250 ग्राम्स, और जिंजर मैंने लिया है 100 ग्राम्स। तो इसको मैंने देखिए इस तरीके से स्लाइस कर लिया। आपको ज़्यादा इसे पतला भी स्लाइस नहीं करना है, मोटा भी नहीं करना, मीडियम साइज। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ड्राई रेड चिलीज। तो मैंने यहाँ पे फोटो लगा दिया है फ्रेंड्स। ये जो चिलीज होते हैं, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, तो आपको यही चिल्ली आपको लेना है। इसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने सेजवान पेपर, इसको मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, है ना। तो आपने शायद देखा होगा इसे, चाइनीज़ फूड में तो बहुत पड़ता है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, कढ़ाई में 2 कप सरसों का तेल मैं ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल नहीं लिया, मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल 2 कप्स, और इसको मैं अब मैं गरम होने के लिए छोड़ दूंगी। जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी जिंजर और गार्लिक जो मैंने स्लाइस करके रखे थे। तो इसको अच्छे से डालकर जो है इसको चला लेना है फ्रेंड्स। देखिए हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, ठीक है। तो चलिए इसको भूनते रहना है। तो 10 से 15 मिनट के बाद आप देखना, इसका कलर जो है ना, बहुत अच्छे से चेंज होने लग जाता है, और बहुत ही बढ़िया और सुनहरा कलर इसका आ जाता है। उस स्टेज पर जो है आपको इसे निकाल लेना है, ठीक है। उतना तक ही आपको इसको फ्राई करना है, उसे ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं ये फ्राई हो रहा है यहाँ पर, और इस स्टेज पर जो है आपको जो गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम में ही रखना है। देखिए ये गोल्डन ब्राउन यहाँ पर हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे, निकाल के एक साइड इसे हम रख देंगे, ठीक है। तो मैंने इसे निकाल लिया है फ्रेंड्स, और देखिए कितना सुनहरा सा कलर इसमें आया है, गोल्डन ब्राउन, और बहुत ही क्रिस्प ये बना है।
तो चलिए मैं इसको एक साइड पर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और जो बची हुई तेल है ना हमारी, तो उसी तेल में हम जो फिश मैंने इसे काट के रखा था उसे हम फ्राई करेंगे। तो मैंने फिश को फ्रेंड्स तीन बैचेस में फ्राई किया था। ये फर्स्ट बैच है, पहले इसको मैं फ्राई कर लूँगी और हल्का हल्का इसे हमें चला भी देना है, ज़्यादा भी नहीं चलाना है, नहीं तो ये जो है ये टूट जाएगा, है ना। तो देखिए हमें भी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक से फ्राई करना है। देखिए कितना बढ़िया से ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल देते हैं। तो मैंने एक बर्तन में इसे निकाल दिया और देखिए इसका कलर, वाओ बहुत ही बढ़िया कलर आया है। तो ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, बहुत ही क्रिस्पी ये बना है। तो चलिए इसको निकाल कर एक साइड में रख देती हूँ। इसके बाद मैं मिक्सर ग्राइंडर में सेजवान पेपर था ना उसे मैं ग्राइंड कर लूँगी और इसे दरदरा हमें पीसना है। पीसने के बाद मैंने इसे एक छोटी सी कटोरी में निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मिक्सर ग्राइंडर में फिर से जो हमारा गार्लिक और मैंने जिंजर को फ्राई करके रखा था ना उसको दो भागों में बांट लूँगी। आधा को मैं पीस लूँगी और आधे को मैं इसी तरह से रख दूँगी। फ्रेंड्स जब हम इसे पीसेंगे ना, हम इसे दरदरा पीसना है, ज़्यादा इसका मीन पाउडर भी नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम इसे पीस देते हैं और देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ज़्यादा मैंने इसको स्मूथ भी नहीं किया, थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। तो देखिए आधे को मैंने पीस दिया, आधे को मैंने नहीं पीसा है। तो चलिए अब जो तेल बचा हुआ था ना, तो उसी तेल में मैंने ये फ्राई किया हुआ जो फिश है उसे मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने जो मिर्च पाउडर है उसको भी मैंने डाल दिया। तो हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पाउडर, और जो मैंने पाउडर बनाया था और आधा मैंने बिना पाउडर बनाए रखा था साबुत, दोनों को मैं इसमें ऐड करूँगी। अब हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिलाएंगे। तो देखिए इसको बहुत अंदर से ही है ना, आपको करछी की सहायता से इसे अच्छे से मिलाना है ताकि हमारा जो मसाला है ये फिश के चारों ओर कोट हो जाए। हमारा जो है फिश का स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा, है ना, बहुत ही टेस्टी ये पिकल बनता है। फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक बात बता दूँ, यहाँ पर मैंने नमक नहीं डाला है, कारण ये है कि जो फिश है ना इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमक है, तो मैंने इसमें नमक अवॉइड किया और मैंने सेजवान जो पाउडर मैंने बना कर रखा था उसको भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। सभी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया और ये लीजिए फ्रेंड्स हमारा फिश पिकल की रेसिपी, जो कि ड्राई फिश पिकल की रेसिपी तैयार हो चुकी है और बड़ी ही मज़ेदार चटपटी सी बहुत ही टेस्टी ये पिकल बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने इसे बॉटल में भर कर रख दिया है, तो इस तरह से बॉटल में आप भर कर भी रख सकते हो और आप इसे एक से दो महीने के लिए आप आराम से इसे खा सकते हो, ये ख़राब नहीं होगी। आप इसे फ्रिज के अंदर रखना, इसे बाहर मत रखिएगा, और गर्मियों के दिनों में ख़राब हो सकती है लेकिन ठंडियों में नहीं ख़राब होती, आप आराम से इसे इंजॉय कर सकते हो। तो करीबन हमारा 2 kg से 3 बॉटल हमारी फ़िश की जो पिकल बनी थी। और फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरह से बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको पसंद ज़रूर आएगा। और भूटान की तो ये फेमस पिकल की रेसिपी है, जो ये मेरी भाभी की रेसिपी है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। सो एंजॉय।